networking and connecting with people. दोस्तों के साथ में पढ़ाई करना, खेलना कूदना. Social justice makes me happy. Happiness for me is voting. I like to go to the polls and you know it really makes me happy. Traveling. Dancing makes me feel happy. I'd be happy in watching cricket and playing cricket also. Music makes me happy. Surgery makes me happy. The fact that it gives me a capacity to do something or maybe play God, it gives me a pleasure that I don't think I can get anywhere else. Your life is your life. Don't let it be clubbed into dank submission. Beyond the watch, there are ways out. There is a light somewhere. It may not be much light, but it beats the darkness. Beyond the watch, the gods will offer you chances. Know them. Take them. बहुत अच्छा लगता है, एक अच्छी सी पावर लगता है कि मेरे पास कोई पावर है. बाइकिंग का जो मेरे लिए सिग्निफिकेंस है वो ये है कि जैसे आई डोंट नो, मतलब जो हम मतलब जो सब लोग होते हैं उनके अंदर एक होता है टू शो समथिंग. जैसे एक बाइक रिजेंबल्स फ्रीडम एंड पावर. रॉ चीज़ अगर मैं अपने दिल से बोलूं, आपके हाथ में एक्सेलरेटर है, आप कोई चीज़ है. जैसे सपोज एक शुरू में लोग घोड़े क्यों दौड़ाते थे, घोड़े पे सवारी करके आपको लगता था ना इट्स अ सेंस ऑफ पावर दैट कम्स इनसाइड ऑफ यू. तो फिर मतलब आपके हाथ में पावर आ जाती है, आपको एक फ्रीडम मिलती है. विंड आपके चेहरे पर टकराती है, आप चल रहे होते हो, सामने ब्यूटिफुल सीनरीज है, तो एक बिल्कुल यू रीच इन टू अ डिफरेंट वर्ल्ड ऑल टुगेदर. BIC Delhi has been a life turning, if I can say so, moment of my life, because previously I had only seen these kind of stuff. We can only see them on Hollywood movies, or say if you are driving towards Mumbai or somewhere, you used to see that okay, there are bikers going. Now we are a part of BIC and it's amazing. Biking is like acting in a movie. Just like I'm playing that role while I'm on my steering, I'm playing that role. While I'm on car, I'm watching the movie. But while I'm behind my handles, on my gears, it's like I'm playing that role. I've been riding and rolling and riding and rolling. I'm flying through the air. जब एवेंजर मैंने ख़रीदा था तो मेरा बहुत मन था कि ट्रैवल करूं मैं बाइक से और राइड करूं और इसके साथ साथ मैं लोगों से जुड़ूं.
जब हम एवेंजर क्लब बनाए थे हम चार या पांच लोग थे, चार पांच लोग से हम लोग ने स्टार्ट किया और फिर उसका धीरे धीरे बढ़ते हुए लोग जुड़ते गए। हमने एफबी पेज बनाई, वेबसाइट बनाया, यूट्यूब चैनल बनाए हैं जहाँ पर हमारे राइड्स के फ़ोटो और वीडियोज़ हैं। आई बीन इन्जॉइंग इतना टाइम जितना मैं राइड कर रहा हूँ, राइड का मज़ा भी है, ग्रुप का मज़ा भी है। बी एस सी दिल्ली का पार्ट बनते ही मैं एक महीने के लिए ट्रिप पे निकला। आई वेंट फ्रॉम दिल्ली टू गोवा। ग्रुप को ज्वाइन करने के बाद हमारी लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज आया है। ये एक्टिविटी ऐसी है कि इसको करने से आप कॉन्फिडेंट फील करते हैं। कॉन्सेप्ट बना रहता है कि लड़कियां बाइक नहीं चला सकती, या लोग हवा बनाते हैं कि लड़कियां बाइक क्यों चला रही है। बाइक एक मशीन है और जो उस मशीन से प्यार करता है वो चला सकता है। There was one memorable experience of mine. We went to Mathura and Vrindavan. We were going, our eight guys, eight or nine, and wherever we were going, people were staring at us that, okay, race ho rahi hai kya? They were asking this, ki bhai race ho rahi hai, kuch ho raha hai? And unko reply bhi de rahe the ki, nahi yaar, hum log sirf ghoomne nikle hain. Bike se? Kahan se aa rahe ho? Delhi se. कमा लो यार तुम लोग तो। दैट इज़ हम लोग को दिखाने को मिलता है कि यार हम लोग गाड़ी इसलिए नहीं चला रहे हैं कि हम लोग को कुछ रिकॉर्ड बनाना है, कुछ करना है, कोई सेंस नहीं है। वी आर जस्ट ड्राइविंग बिकॉज वी लव टू ड्राइव। इट्स अ पैशन, नॉट इवन अ जॉय और समथिंग। लोगों की हॉबीज़ होती है, किसी की सिंगिंग, किसी की डांसिंग, हमारी राइडिंग। दिल्ली में रहो और दिल्ली के बाद मतलब आप बाइक लेके जाओ और एकदम से आपको एक्सपीरियंस डिफरेंट होता है, दैट इज़ आई कैन नॉट डिफाइन इट। वो जब आप फील करते हो, चलते हो फ्रीडम से, चाहे सोलो चलो चाहे ग्रुप में चलो, व्हेन यू आर राइडिंग थ्रू द हिल्स, पानी के थ्रू, ऑफ रोडिंग कर रहे होते हो, हर तरीके की राइड का अपना अलग मज़ा है एंड दैट एनरिचेज यू समहाउ। आपको एक अलग से एक बिल्कुल डिफरेंट फीलिंग होती है कि यू आर इन टू अ डिफरेंट लीग, अ डिफरेंट वर्ल्ड। Your life is your life. Know it while you have it. You are marvelous. The gods wait to delight in you.